द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया। 2019 में इसे अमेंडमेंट किया गया। छोटा बच्चा है उसके साथ जो अपराध हुआ, वो जो मामला है, जो भी कृत्य हुआ है, वो ऐसा एक क्राइम बन जाता है जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। सिर्फ बच्चे तक ही सीमित नहीं रहता। पहले कटती थी FIR 154 CRPC में, अब वो FIR काटी जाती है 173 BNSS का जो सेक्शन है उसके अनुसार। दोस्तों पॉक्सो के बहुत सारे मामले अक्सर सामने आते हैं, जैसे कि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली के कोर्ट्स में, और यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट भरे पड़े हैं पॉक्सो के केसेस को लेकर। पॉक्सो जो कानून आया, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया। 2019 में इसे अमेंडमेंट किया गया। 2019 में इसे अमेंड किया गया, इसमें अमेंडमेंट आया 2019 में, और सजाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। मतलब कि कोई भी अपराध अगर 2019 से पहले हुआ है तो उसमें सजा कम है, पर अगर कोई भी अपराध 2019 के बाद हुआ है उसमें सजा का प्रावधान ज्यादा है। ये देखना पड़ेगा, केस टू केस डिपेंड करता है। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, मतलब कि सारे सेक्शंस के बारे में बताएंगे, कैसे प्रोसेस चलता है वो भी बताएंगे, किन किन सेक्शन में सजा होती है वो भी बताएंगे। इस एक ही वीडियो से पूरे पॉक्सो एक्ट को आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो पॉक्सो एक्ट क्या बोलता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो आपको और कहीं से पढ़ने में नहीं मिल पाएंगी इजिली, क्योंकि हम वही सारी बातें डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकली कोर्ट में होता है और जो हम केसेस में जब केस को फाइट करते हैं तो देखते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही ज्यादा सीरियस ऐसा एक एक्ट है जिसमें सजा के प्रावधान बहुत ज्यादा टफ है, जिसमें की सजा के प्रावधान बहुत ज्यादा टफ है। 10 साल की सजा, 20 साल की सजा, उम्र कैद की सजा और यहाँ तक की फांसी तक का भी प्रावधान है। पॉक्सो के जो सेक्शन है या पॉक्सो एक्ट में जो सजा के प्रावधान दिए गए हैं, ये कुछ ऐसे सेक्शंस बनाए गए हैं जो कि ये बोलते हैं कि ये जो क्राइम है ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, क्योंकि किसी भी विक्टिम के साथ, छोटा बच्चा है उसके साथ जो अपराध हुआ, वो जो मामला है, जो भी कृत्य हुआ है, वो ऐसा एक क्राइम बन जाता है जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। सिर्फ बच्चे तक ही सीमित नहीं रहता। पॉक्सो एक्ट में दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले जब FIR काटी जाती है, FIR बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मैं आपको टोटल 10 मुद्दे बताऊंगा, 10 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 10 पॉइंट्स को अगर आप लिख लेंगे तो भी पॉक्सो एक्ट को बहुत अच्छे से आप जान जाएंगे। सबसे पहले FIR कटती है। FIR जैसे ही आप लिखवाते हैं तो पहले कटती थी FIR 154 CRPC में, अब वो FIR काटी जाती है 173 BNSS का जो सेक्शन है उसके अनुसार, क्योंकि अभी 2024 जुलाई से 1 जुलाई से सारे नए कानून आ गए हैं तो CRPC की चीजें बदल गई हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल कानून है तो स्पेशल कानून में स्पेशल सेक्शंस बनाए गए हैं। टोटल 46 सेक्शंस हैं पॉक्सो एक्ट में, पर यहाँ जो CRPC बोलता है या BNSS जो बोलता है उसके अनुसार ही FIR काटी जाती है। सबसे पहली बात, FIR काटी जाती है। FIR को बहुत सोच समझ के अच्छे से लिखवाएं ताकि बाद में अगर किसी सामने वाले को सजा करवानी है तो उसको सजा अच्छे से हो सके, और आप अगर कोई भी ऐसे एक्यूज है जिस पर फेक FIR हुई है तो बचने का भी आपको रास्ता FIR से ही मिलता है। आपको FIR को अच्छे से पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरे मुद्दे में दोस्तों क्या होता है, 164 के बयान होते हैं विक्टिम के, जिसके साथ जो भी घटना घटित हुई है। पहले ये 164 CRPC में बयान दर्ज होते थे, अब ये 183 BNSS के सेक्शन के तहत दर्ज कराए जाते हैं। दोस्तों FIR और 164 के बयानों को मिलाकर देखना चाहिए जब आप केस को फाइट करने के लिए गए हैं कोर्ट में। इन दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो आप अपने क्लाइंट की बेल भी करा पाएंगे, उसको बरी भी करा पाएंगे और साथ ही साथ उसको रिलीफ भी दिला पाएंगे। अगर कोई भी गलतियां की हैं विक्टिम ने और आपके ऊपर कोई भी फेक केस दर्ज हुआ है तो इन रेमेडीज को आप जरूर फॉलो करें। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहे हैं, या फिर आप पर कोई भी मुकदमा हुआ है या आपके सगे संबंधी जानकार पर कोई भी केस हुआ है पॉक्सो का, वीडियो बहुत काम का है, कोई भी सजेशन चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें, आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। अब बात करें दोस्तों तीसरे मुद्दे की। पहला पॉक्सो एक्ट के बारे में दोस्तों जान लें। पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट आया 2012 में, अमेंडमेंट हुआ 2019 में। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इसकी फुल फॉर्म है। टोटल 46 सेक्शंस हैं और सजा के जो प्रावधान हैं, अब इन सेक्शन को भी आप समझ लें, जो सजा के जो प्रावधान हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 10,
सेक्शन 12 में सजा के प्रावधान है कि किस तरह का अपराध हुआ तो उसमें सजा किस सेक्शन के तहत दी जाएगी। सबसे ज्यादा जो सजा का प्रावधान है वो सेक्शन 6 में है, जिसमें कम से कम 20 साल की सजा तो होगी ही, उम्र कैद भी हो सकती है। ज्यादा हीनियस क्राइम हुआ तो वहाँ पर आपको फांसी तक दी जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे मुद्दे की, चौथे पॉइंट की। जैसे ही मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गई, 64 के बयान दर्ज हो गए, उसके बाद केस आगे चलता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट फाइल होते ही अगर चार्जशीट गलत है तो यहाँ पर आप प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं, आपका ये हक है। और अगर एफआईआर आपने देख ली है, प्रोटेस्ट पिटीशन का भी आप लाभ नहीं ले पाए तो आगे जाइए। अब यहाँ पे होंगे चार्जेस फ्रेम। चार्जेस फ्रेम में बहुत अच्छे से आर्गुमेंट करें और बताएं कि आपके ऊपर क्यों ये सेक्शंस नहीं लगने चाहिए। आपने पूरी बात अच्छे से बताई और आपका केस नहीं बनता है तो ऐसे में अगर आपके चार्जेस फ्रेम हो भी जाए स्पेशल कोर्ट से, किसी भी सेशंस कोर्ट से, तो आपको इसके बाद यहाँ पर रिविजन में जाना चाहिए हाई कोर्ट में। तो रिविजन में जाने के बाद भी आपके सेक्शंस हटाए जाते हैं, इनको आप ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों किसी भी सेक्शन को समझने में समस्या होती है, सजा के प्रावधान को जानना चाहते हैं, बेल प्रोसेस को जानना चाहते हैं कैसे बेल होगी, या फिर आप अपील के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हाईकोर्ट जाना चाहते हैं सजा होने के बाद, कोई भी सवाल है दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपकी मदद जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से आपको कोई मदद मिल सके। अब और आगे चलते हैं पांचवे पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट दोस्तों आता है चीफ एंड क्रॉस का। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर में कुछ बातें लिखवाई गई, 164 के बयान हुए, कुछ बातें लिखवाई गई, चार्जशीट आपके सामने आ गई, सब कुछ आपने पढ़ लिया, चार्जशीट आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर चीफ एंड क्रॉस होता है, मतलब कि विक्टिम को कोर्ट बुलाया जाता है कि आप कोर्ट में आइए, गवाही दीजिए। अब विक्टिम जब वहाँ कोर्ट में आकर गवाही देती है, छोटी बच्ची या छोटा बच्चा जब गवाही देता है, जितने सवाल पूछने हैं डिटेल में तभी पूछ लीजिए, जितना लंबा क्रॉस करना है तभी कर लीजिए, दोबारा बुलाने की परमिशन इजीली कोर्ट देता नहीं है और देगा भी तो काफी हाई कॉस्ट के साथ देता है। तो इस बात को ध्यान रखें, जितना डिटेल में सवाल पूछने हैं उसी वक्त पूछ लें। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी वकील साहब के लिए ये जरूरी तो होता है कि भाई आप सवाल जो पूछ रहे हैं कितने ज्यादा रिलीवेंट वो सवाल हैं, बट उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है क्या सवाल आपको नहीं पूछने। कहीं ऐसा ना हो कि अपने लिए खुद ही आप गड्ढा खोद लें और उसमें खुद ही आप दफन हो जाएं। तो ध्यान से सवाल पूछें, बहुत पेशेंस से सवाल पूछें, बेहतर है पहले उन सवालों को लिख लें, अच्छी तैयारी कर लें, उसके बाद ही सवालों को पूछें, वरना आपके साथ समस्या हो सकती है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट में, पॉक्सो के सेक्शंस में, जो पॉक्सो का जो ये एक्ट है, इसमें जब सजा दी जाती है तो उसमें कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है, खास करके उनके लिए जिनका सेक्शन 6 लगा हुआ है। तो ध्यान से अपने केस को आप प्रेजेंट करें। अब बात करते हैं छठे पॉइंट। आपको कोई भी किसी भी तरह की 91 की अगर एप्लीकेशन लगानी है, 91 CRPC की, जो कि अब BNSS में 94 BNSS का सेक्शन बन गया है, तो जितना जल्दी हो सके चार्जेस फ्रेम से पहले लगा लें। अगर चार्जेस फ्रेम हो गए और फिर आपने एप्लीकेशन मूव की तो फिर वो सीधा अभी क्या चलेगा, पहले क्या चलता है प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस, पहले मतलब कि सरकार के सारे एविडेंस आते हैं, सारे गवाह आते हैं, फिर आपको मौका मिलता है जहाँ पर कि DE बोलते हैं, डिफेंस एविडेंसेस। तो जब डिफेंस का नंबर आएगा तब ही एप्लीकेशन लगा पाओगे, बीच में नहीं लगा पाओगे। तो ध्यान रखें एप्लीकेशन को टाइमली लगाएं, सही से लगाएं, वरना आपके साथ समस्या हो सकती है। कोई CCTV फुटेज चाहते हैं, कोई टिकट का ब्यौरा चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो चार्जेस से पहले लगा दें, वरना आपको बाद में मौका नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सातवें पॉइंट की। दोस्तों कन्विक्शन बहुत ज्यादा लोगों को होता है, कन्विक्शन होता ही है, कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, मतलब बरी होते हो या सजा होती है, तो ऐसे में कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है, सजा बहुत लोगों को होती है। आपको अगर सजा हो गई तो आप हाई कोर्ट जाओगे अपील लगाने के लिए, और मान लीजिए कोई इंसान एक्विटल हो गया तो भी आपके साथ मुसीबत है। मुसीबत क्यों है, सरकार चली जाती है आगे हाई कोर्ट। तो ऐसे में आगे जाकर जब केस चलता है पूरा, कई सारी आपकी गलतियां होती हैं, कई बार केस ऐसा स्ट्रांग होता है कि जिसमें आपके बचने के रास्ते होते ही नहीं है, तो वह सजा भी हो जाती है, इन बातों का ध्यान रखें। और आठवें पॉइंट में दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप बरी हो गए तो यहाँ पे स्टेट चला जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आपको अपील में अगर और रिलीफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा स्टेट। कोई पैसा तो लगना नहीं, फीस तो लगनी नहीं, फीस लगेगी आपकी जो आप एक्यूज हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि आप अगर सजा हो जाती है आपको, हाई कोर्ट जाइए अपील लगाइए, अपील ने भी सजा दे दी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपके पास रेमेडीज हैं, इन रेमेडीज का आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि कोई भी वकील साहब करोगे आपसे फीस जरूर लेंगे, या फिर आप सरकारी वकील कर लो, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये आपका फंडामेंटल राइट है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नौवें पॉइंट।
क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों को सजा होती है और सजा होने के कारण सिर्फ इतने से हैं कि वे क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होता है, बहुत ही हीनियस तरह का क्राइम होता है। अगर किसी मामले में अगर बरी कर दें, वहां पर जज साहब जो स्पेशल कोर्ट के जज साहब हैं, अगर बरी कर भी दें तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है कि वहां पर स्टेट चली जाती है हाई कोर्ट और कई बार यहां पर उन्हें जवाब देना पड़ जाता है। तो इसीलिए वो सजा देना ही अपने आप को बेहतर मानते हैं कि सजा दे देंगे, ज्यादा सवाल हमसे पूछे नहीं जाएंगे। तो सजा इसमें ज्यादातर लोगों को होती है। ध्यान रखें, केस को बहुत अच्छे से लड़ें, बार बार बेल 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 करते रहोगे फायदा उससे है नहीं, पेन किलर की तरह बेल काम करती है। और आप अगर केस को पूरा ढंग से लड़ेंगे तो हो सकता है आपको जेल में कुछ वक्त तक रहना पड़े, पर परमानेंट आप बाहर आ जाओगे, प्रॉब्लम आपके साथ होगी नहीं। बात करते हैं 10वें पॉइंट की। दोस्तों, जब भी कोई केस ऐसा दर्ज होता है तो केस दर्ज होने के बाद में जब पूरा ट्रायल चलता है, अगर किसी भी एक्यूज को सजा सुना दी जाती है तो यहाँ पर विक्टिम को मिलता है कंपनसेशन। कंपनसेशन मिलता है, सरकार से पैसा मिलता है और यहाँ पर एक्यूज को भी पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे में कई सारे वकील साहब यहाँ पर विक्टिम की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, सिर्फ आपको सजा कराने के लिए कंपनसेशन का अमाउंट मिलता है, उसमें से कुछ फीस उन्हें भी मिल जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सबब तो है ही। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्शंस जो आपको पता होने ही चाहिए, होने चाहिए पता, वरना तो आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली बात, बेल लगाना आपका अधिकार है, आप बेल लगाएं। कोई भी आपका जानकार सगा संबंधी कोई भी जेल में है, आपका क्लाइंट जेल में है, बेल लगाएं। बेल आप लगाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहते हो तो 438 CRPC पहले था, अब वो 482 BNSS अब हो गया है। पहले 439 में रेगुलर बेल लगाई जाती थी जो जेल में लोग हुआ करते थे, अब वो 483 बन गया है, 439 की जगह 483 बन गया है BNSS का सेक्शन, जिसके तहत आप रेगुलर बेल लगा पाएंगे, चाहे फिर आप सेशंस कोर्ट लगाएं, चाहे फिर आप हाई कोर्ट लगाएं। अब कुछ ऐसे सेक्शंस जो कि महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए प्रिजम्पशन का सेक्शन, वो है 29। मतलब कोई भी केस अगर कोर्ट में गया तो जज साहब यही मानेंगे कि वो अपराध आपने ही किया है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है। बाकी सभी केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पे होता है, स्टेट को प्रूफ करना होता है कि अपराध हुआ है, पर यहाँ पर आप प्रूफ करोगे कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, जो कि बहुत ज्यादा कठिन चीज है किसी भी क्रिमिनल वकील साहब के लिए। अब बात आती है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, बच्चे की जब गवाही कराई जाती है, जब कोर्ट में बुलाया जाता है, तो वो सेक्शन है 24, उसको आप पढ़ लेना। साथ में ही मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बच्चे का, तो उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 27। साथ में ही अगर डेजिग्नेशन की बात करें कि स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे, तो उसका सेक्शन है 28। इन सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लें, पढ़ने के बाद अगर अपने केस को प्रेजेंट करेंगे, मेरा मानना है आप अपने क्लाइंट को केस जितवा पाएंगे, आप भी अपने केस में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि पॉक्सो में जो एक स्पेशल कानून है जिसमें किसी भी वकील साहब को दिक्कत होती है, दिक्कत कोई होगी नहीं, फिर भी कोई दिल में सवाल है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, किसी हेल्प से, किसी बताई गई बात से आप अपने केस से पूरी तरह से बाहर निकल सकें। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।